नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं दोस्तों एक नया कंटेंट लेके आया हूं, डेली करंट अफेयर्स, उन बच्चों के लिए जो रेलवे बैंकिंग और एसएससी की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल में ही हिंसा पीड़ित महिला की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने कितने वन स्टॉप सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो 100 हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हाल में ही विश्व की पहली माइक्रो फैक्ट्री किस देश में शुरू की गई है। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे पहली माइक्रो फैक्ट्री होगी। तो दोस्तों ये सबसे पहले जो स्टार्ट की गई है वो ऑस्ट्रेलिया में ये स्टार्ट की गई है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, सेना में महिलाओं को किस प्रकार की भूमिका छोड़कर अन्य भूमिकाओं में अस्थाई कमीशन दिया जाएगा। तो दोस्तों ये हमारी महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम लिया गया है। इसमें हमारा दोस्तों आंसर हो जाएगा लड़ाकू भूमिका को छोड़ के सभी, इसमें उनका भूमिका का वो होगा, यानी इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा कौन से कार्यकाल के लिए हाल में ही पदभार संभाला है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें दोस्तों उन्होंने चौथी बार जो है ये इसका शपथ लिया है राष्ट्रपति पद का, यानी इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, चौथे बार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा के नियमों में परिवर्तन हेतु निम्न में से किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। तो दोस्तों एक राज्यसभा में कुछ नियमों के कारण परिवर्तन करने के लिए अध्यक्षता बनाई गई, इसमें समिति बनाई गई, उसके जो उन्होंने गठित किया उसके जो अध्यक्ष थे वो थे वी के अग्निहोत्री, यानी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत के किस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में विदेश सेवा संस्थानों के माध्यम से राजनयिक सहयोग मजबूत करने का समझौता किया है। फिर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए, यानी ग्वाटेमाला। अगला है हमारा दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच संशोधित दोहरे कराधान बचाव संधि को अधिसूचित कर दिया है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा कुवैत, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत ने लिबरेशन अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग ग्रांड प्री प्रतियोगिता में कुल कितने रजत पदक जीते हैं। तो दोस्तों इसमें कुल दो रजत पदक आए हैं, पहला हमारा गगन नारंग ने लिया है और एक पूजा घाटकर ने, जो कि दोनों के दोनों शूटिंग में 10 मीटर फ्री स्टाइल में आए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी दो। अगला क्वेश्चन है, किस देश के शोधकर्ताओं ने पोर्टेबल 3D प्रिंटर स्क्रीन बनाया है जो स्किन टिश्यू यानी ऊतक बनाकर गहरे घाव भर सकता है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये कनाडा, कनाडा ने एक ऐसा 3D स्क्रीन प्रिंटर बनाया है जो स्किन टिश्यू को गहरे घाव को भर सकता है। अगला है दोस्तों, कोलंबो में दक्षिण एशियाई जूनियर एथलेटिक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इसमें दोस्तों भारत सबसे ऊपर रहा था और दूसरे नंबर पर श्रीलंका आई थी, तो पहले नंबर पर आप याद रखिएगा भारत थी, दूसरे नंबर पर श्रीलंका थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व थैलेसेमिया दिवस कब मनाया जाता है। ये डेट वाले क्वेश्चन हैं, आपको थोड़ा ये रखना पड़ेगा। तो इसका आंसर है हमारा डी, 8 मई को विश्व थैलेसेमिया दिवस मनाया गया था। अगला है क्वेश्चन, किसने नेविगेशन सैटेलाइट के लिए परमाणु घड़ी बनाई है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसरो स्पेस से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी, यानी इसरो, इसरो ने एक ऐसा परमाणु घड़ी बनाई। अगला क्वेश्चन दोस्तों, FPI का पूरा नाम क्या है।
तो दोस्तों FPI का पूरा नाम जो है वो है हमारा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी डी, आप इसको याद कर लें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉबी इंस्टीट्यूट ऐसा पावर इंडेक्स 2018 में भारत कितने स्थान पर है? दोस्तों इसमें भारत का जो स्थान है वो चौथा स्थान है, ये आप याद कर लीजिएगा। चौथे नंबर पे भारत जो है लॉबी इंस्टीट्यूट पावर इंडेक्स में। मट्टूर भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ केवल संस्कृत बोली जाती है। ये दोस्तों भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहाँ पर केवल संस्कृत बोली जाती है। तो क्वेश्चन है कि ये किस राज्य में आता है? तो दोस्तों ये हमारा कर्नाटक में आता है, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा सी, कर्नाटक में ये ऐसा गांव है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल में किसे ऑस्ट्रेलिया टीम के नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा जस्टिन लेंगर। बॉल टेम्परिंग मामले में इनके पुराने कोच ने वो इस्तीफा दे दिया था, तो जस्टिन लेंगर को नए कोच के रूप में नियुक्त किया गया। IRDAI के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, इनमें से कौन से हैं जिन्होंने IRDA के नए अध्यक्ष के रूप में शपथ लिया है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र खुंटिया, यानी ऑप्शन बी। अनुभव कलाकार दार्शनिक जो अजीलाबाद के कला आश्रम के संस्थापक थे, उनका निधन हो गया है। इसका आंसर दोस्तों रविंद्र शर्मा हो जाएगा, जो अभी हाल में इनकी मृत्यु हो गई। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में कौन सा मनाया जाता है? दोस्तों इसमें हमारा जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो 3 मई को मनाया जाता है, हमारा 3 मई इसका आंसर हो जाएगा। एशिया प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? तो दोस्तों एक इंडेक्स है जिस पूरे एशिया में प्रशांत पावर इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग है? तो दोस्तों इसमें हमारा जो रैंकिंग है वो फोर्थ है, फोर्थ रैंकिंग पे भारत है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए दादा साहब फाल्के फिल्म फाउंडेशन पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, एक ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा दोस्तों शाहिद कपूर। तो ये दोस्तों आप नोट कर लें, शाहिद कपूर इसका आंसर होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, मैं इस चीज़ को बता देना चाह रहा हूँ, तो शाहिद कपूर इसका आंसर हो जाएगा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? ये दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आप में आ जाते हैं। तो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रवीण जगन्नाथ। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ICICI बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ICICI बैंक का मुख्यालय है मुंबई में, तो इसे आप सी हो जाएगा हमारा आंसर। तो दोस्तों इसी तरह से हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है, और ऐसे ही नए अपडेट्स के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके अंदर नोटिफिकेशन आती रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।